हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूडेमी क्लास। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से डायरेक्टरी सर्विस की हेल्प से हम अपने AWS पोर्टल के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं। मींस RSight की हेल्प से कैसे आप एक AD का एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली वो फर्स्ट वीडियो थी, मींस आप बोल सकते हो पहला पार्ट था, क्योंकि यू नो दैट कि एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट होने में लगभग 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। जब भी आप प्रोसीड करेंगे AWS पोर्टल के ऊपर डायरेक्टरी सर्विस में जाकर के AD कॉन्फिगर करने के लिए, कम से कम आपको 30-35 मिनट का टाइम वेट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हमने उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक पार्ट की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है, सेकेंड पार्ट में हम आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं किस तरीके से आप AD को अपने वर्चुअल मशीन में या इंस्टेंस में जो भी आपने क्रिएट कर रखा है उसके साथ अटैच करते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। लास्ट वीडियो में हमने AWS डायरेक्टरी सर्विस के जरिए एक हमने AD इंस्टॉल किया था, जिसका नाम हमने रखा था cloud.com, राइट। और इस cloud.com को हम ऐड करने वाले हैं अपने इंस्टेंस के साथ, जो भी हमने सर्वर 2012 का इंस्टेंस परचेज किया है उस EC2 इंस्टेंस के साथ हम अटैच करने वाले हैं, राइट। और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ RSight, ठीक है, RSight मीन्स आपका रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के जरिए आप इस रोल को, इस पर्टिकुलर फीचर को इस सिस्टम में जैसे ही इंस्टॉल करते हैं, आपका जो इंस्टेंस है नॉर्मल सिस्टम में से कन्वर्ट होकर के AD का मीन्स आप बोल सकते हो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं स्टेप क्या क्या हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो आप देखिए, यहाँ डायरेक्टरी सर्विसेज हमारी रेडी है, प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, जो हमने लास्ट सेशन में बनाया था। विद द हेल्प ऑफ AWS डायरेक्टरी सर्विसेज आप किसी भी नंबर ऑफ डायरेक्टरी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटस में एक्टिव है, और यहाँ पे अपने पास जो इंस्टेंस हमने बनाया था सर्वर 2012 का, वो भी अपने पास एक्टिव हो गया है। सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करा लेते हैं। कनेक्ट कराने के बाद इसको हम इसका RDP एक्सेस करते हैं। RDP एक्सेस करने के बाद इसमें अपने जो भी AD बना रखा है, हमने जो भी डायरेक्टरी सर्विसेज कॉन्फिगर कर रखी है, उसको हम अटैच करने का काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि आई थिंक एक ही नाम से मल्टीपल की क्रिएट होने पे यही प्रॉब्लम आ जाती है। मीन्स चलो, ये अपने पास की मिल गई है, मीन्स पासवर्ड। यू नो दैट कि जब भी हम AWS पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो AWS हमें पहले पासवर्ड में क्या देता है, एक की देता है .pam की, और उस की को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट रहती है, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। AWS VM यहाँ पे आप जाएंगे और पासवर्ड की जगह पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। सेकेंडरी स्टेप में क्या करना है, आप इसका पब्लिक IP address एक्सेस कर लो। अगर आप विंडोज मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका RDP टूल डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप सेपरेट टूल इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड अवर इंस्टेंस, जो भी वर्चुअल मशीन हमने तैयार की थी, टू इंस्टेंस बनाया था, उसको हमने कनेक्ट करा लिया है। आप पोर्टल पे चलिए, डायरेक्टरी सर्विसेज में चलिए। डायरेक्टरी सर्विसेज में आपने जो cloud.com का AD बना रखा है, उस cloud.com के रन होते ही, डायरेक्टरी सर्विसेज के रन होते ही आपको दो प्राइवेट IP address मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं प्रीफर्ड DNS IP address और अल्टरनेट। तो 172.31.95.50 ये आपका प्रीफर्ड DNS हुआ, 172.31.69.95 ये अपने पास प्रीफर्ड DNS IP address होगी, सॉरी अल्टरनेट DNS IP address होगी। दोनों IP address को आपको अपने इंस्टेंस में ncpa.cpl के जरिए सेम IP address को यहाँ पे माउंट करा देना। तो आप प्रॉपर्टीज ओपन करिए, प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे 172.31. प्रीफर्ड DNS यानी पहला जो ऑप्शन है वो प्रीफर्ड है, और जो सेकंड IP address दिखाई पड़ रही है वो आपका अल्टरनेट है 95.50, ठीक है, ये प्रीफर्ड DNS हो गया। अल्टरनेट के IP address की बात करें 69.95, ठीक है, ये आपको दोनों चेंजेस करने हैं। आप IP address चेंज नहीं करेंगे, इसको आप ऑटोमेटिक में ही रखिए। ओके करने के बाद मे बी कि आपका जो RDP डिस्कनेक्ट हो सकता है, मे बी केसेस में, बट कॉन्फिगर करने के बाद आपने जाना है माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में, सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पे देखिए चेंज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, चेंज सेटिंग। सेम प्रोसीजर जो नॉर्मल मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए
हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आपने जो डोमेन बनाया था वो किस नाम से बनाया था, cloud.com के नाम से। तो आप सिंपल सा cloud.com यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों का स्पेस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने जब इंस्टेंट जब आपने डायरेक्टरी सर्विसेज क्रिएट की थी तब उस टाइम पे cloud.com का डोमेन चूज किया था। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी सर्विसेज में आपको cloud.com दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो ये DNS नेम हो गया। यूजर नेम में हमेशा ये एडमिन रहता है, ध्यान रखना है ये एडमिन आपका यूजर नेम रहेगा। और पासवर्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डोमेन कॉन्फ़िगर करते समय क्या पासवर्ड मेंशन किया था। तो लेट मी चेक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है एडमिन। ठीक है, आपको लगता है कि पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप पासवर्ड रीसेट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम में एडमिन और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, एंड रीसेट पासवर्ड। cloud.com हमारा डायरेक्टरी नेम हो गया, उसके बाद एडमिन हमारा यूजर नेम हो गया और पासवर्ड जो आपने अभी कॉन्फ़िगर किया। चलिए एक बार फिर से इसको कनेक्ट कराते हैं और एडमिन और पासवर्ड जो आपने अभी कॉन्फ़िगर किया जस्ट उस पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं वर्क ग्रुप से डोमेन में। चलिए वेलकम टू द डोमेन कंट्रोलर डोमेन cloud.com डोमेन। आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे ताकि इसमें जो चेंजेस किए हैं आपने वो सक्सेसफुली एप्लीकेबल हो जाए, सक्सेसफुली अप्लाई हो जाए। जैसे ही हमारा ये सिस्टम नॉर्मल वर्क ग्रुप से चेंज होकर के डोमेन में जाता है, हमें सिस्टम का RDP फिर से एक्सेस करना है। RDP एक्सेस करने के बाद आपको एक छोटी सी सर्विस इंस्टॉल करनी है, छोटा सा फीचर इंस्टॉल करना है IDE के केस में, जिसको हम बोलते हैं RSET। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है, तो इट मे बी टेक अ टाइम ऑफ 30-40 सेकेंड। स्टेप तब तक हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या क्या स्टेप आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो इंस्टेंस आपने बना रखा है उसका RDP एक्सेस करना है। कॉन्फिगर प्रिफर एंड अल्टरनेट IP एड्रेस जो आपको मिलेगा डोमेन कंट्रोलर से। थर्ड स्टेप में कन्वर्ट ठीक है कन्वर्ट योर सिस्टम फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। लास्ट सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप जो होगा इंस्टॉल RSET सर्विस इन EC2। तो ये प्रॉपर स्टेप होगा आपको अगर अपने AWS पोर्टल के ऊपर डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज इस्तेमाल करनी है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं अपने पास इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। यूज सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड और वेट करते हैं RDP इसका एक्सेस होने तक। चलिए वी सक्सेसफुली एक्सेस द RDP, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट किया था वो सक्सेसफुली चेंज हुआ है या नहीं। चलिए आप cloud.com पे आ चुके हैं, मेन हमारा जो सिस्टम है वो डोमेन का पार्ट बन गया है, डोमेन का मेम्बर बन गया है। बट अब अगर अभी हम यहाँ पे सब मैनेजर ओपन करके इसके एक्टिव यूजर एंड कंप्यूटर्स में देखें तो शायद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। टूल्स पे जाइए, यहाँ पे देखिए AD एक्टिव डोमेन एक्टिव यूजर एंड कंप्यूटर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब तक अपने पास वो ऑप्शन नहीं आएगा यू नो दैट कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कंटेनर नहीं बना पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेप अगला इस्तेमाल करना है एज पर द एजेंडा यू नो दैट। चौथे स्टेप में हमें करना है इंस्टॉल RSET फीचर, जो एक फीचर है अपने सर्वर 2012 का।
आप नेक्स्ट करिए, ऐड रोल एंड फीचर्स में जा करके नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है आर सेट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। आप देखिए यहाँ पे रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, एडमिनिस्ट्रेशन टूल, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा इंस्टॉलेशन के बाद, एंड यू नीड टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर, एडमिन के यूजर और जो पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया था एडी को बनाते समय। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें यूज करना है टू कॉन्फ़िगर द डायरेक्टरी सर्विसेज, AWS डायरेक्टरी सर्विसेज। उम्मीद है आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। पूरा प्रैक्टिकल के लिए आपको दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, जो पार्ट हमने पहले अपलोड किया है उसको भी, और ये दोनों मिला करके आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अभी रोल हमने इंस्टॉल कर लिया है, सिंपल सा आप इसको क्लोज करिए। और सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ऑल दो वी आर एबल टू सी द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक आप अपने सिस्टम को उस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन नहीं करा लेते। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, और रीस्टार्ट करने के बाद सिस्टम को हम एक्सेस करेंगे अपने एडमिन यूजर से। आप फिर से RDP पैनल ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे आपको यूजर नेम क्या था अपना, cloud.com, सॉरी admin, एंड जो डोमेन है वो cloud। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए cloud@admin। पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा था, एंड ट्राई टू कनेक्ट। डन, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर वर्चुअल मशीन जो हमने इंस्टेंस बनाया था। अब चेक करते हैं कि क्या इसमें एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हमें मिलने लगी हैं, मीन्स वी आर एबल टू क्रिएट द कंटेनर आर ऑब्जेक्ट। तो आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को ओपन करिए। आप देखिए यहाँ पे cloud.com के नाम से पूरी डिटेल्स आ चुकी है, और ये बेसिकली आर साइट के जरिए हमने कॉन्फिगर कर रखा है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लाउड जो अपना डोमेन है, यहाँ पे जो भी यूजर आपको क्रिएट करना है, कंप्यूटर्स चेक करने हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द AWS डायरेक्टरी सर्विसेज। इसके आगे हम और बढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप मल्टीपल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के साथ ऐड करने का काम करते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।